नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिटी स्कैन मशीन का उप मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित सीटी स्कैन मशीन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक सदर श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर संजय खत्री, सीएमएस डॉक्टर एमएमएम पांडे के साथ संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर तथा शिलालेख का अनावरण किया गया। इस अवसर पर एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी व सदर विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने कहा कि बहराइच जैसे आकांक्षात्मक जनपद में मेडिकल होना जनपद वासियों के गौरव की बात है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाने से जनपद वासियों को प्रदेश के बड़े जनपदों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वक्ता द्वय ने कहा कि सीटी स्कैन मशीन की स्थापना से विभिन्न दुर्घटनाओं, विशेषकर हेड इंजरी के मामलों में अब चिकित्सक पहले से कई बेहतर उपचार कर सकेंगे तथा अनेकों बेशकीमती जानें बचाई जा सकेंगी। एमएलसी एवं विधायक सदर ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहराइच अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर जनपद के अतिरिक्त पड़ोसी जनपदों के साथ साथ नेपाल राष्ट्र के मरीज भी बड़ी संख्या में उपचार के लिए आते हैं। वक्ता द्वय ने कहा कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर से हम तेजी के साथ अग्रसर हैं। आज जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना ही नहीं हो रही है बल्कि उनको जीवन रक्षक उपकरणों से भी आच्छादित किया जा रहा है। एमएलसी डॉक्टर त्रिपाठी ने चिकित्सकों का आह्वान किया कि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं को उपयोग करते हुए सभी जरूरतमंद मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व सीएमएस डॉक्टर पांडे ने मेडिकल कॉलेज अंतर्गत संचालित महर्षि बालार्क चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशोक ने किया। इस अवसर पर गणमान्य व सभ्रांत जन मेडिकल कॉलेज के शिक्षक, स्टाफ, चिकित्सक तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।